गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विक्टर मेयर टेस्ट। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। चलिए चलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट की साइट, ये क्या होता है। सबसे पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि विक्टर मेयर टेस्ट को कलर टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर टेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह पता होनी चाहिए कि इस टेस्ट का यूज क्या है, इस टेस्ट को यूज हम कहां करते हैं। याद रखना, इस टेस्ट का हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश 1 degree, 2 degree and 3 degree अल्कोहल्स। मीन्स इस टेस्ट की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है 1 degree है, कौन सा अल्कोहल सेकेंडरी है 2 degree है, और कौन सा अल्कोहल 3 degree है यानी टर्शरी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में, प्रैक्टिकल में, वाइवा में एग्जामिनर आपसे बोले कि भाई मैंने ये आपके सामने 3 test tubes ली और मैंने इसमें इस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाला, इस टेस्ट ट्यूब में भी अल्कोहल डाला और इस टेस्ट ट्यूब में भी अल्कोहल डाला, इन 3 test tubes के नाम दे दिए A, B and C और वो आपसे पूछे कि बताइए इन 3 test tubes में से कौन सी टेस्ट ट्यूब में 1 degree अल्कोहल, कौन सी में 2 degree अल्कोहल और कौन सी टेस्ट ट्यूब में 3 degree अल्कोहल है। तो आप, क्योंकि तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको देखने में कलरलेस सब्सटेंस दिखेगा, ये अल्कोहल भी कलरलेस, ये अल्कोहल भी कलरलेस और ये अल्कोहल भी कलरलेस होगा, तो आप फिर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो आप हेल्प ले सकते हैं किसकी? विक्टर मेयर टेस्ट की। क्या करेंगे आप इन तीनों अल्कोहल्स में यह पता लगाने के लिए कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है, आप ये काम करेंगे। ध्यान से देखना, हम विक्टर मेयर टेस्ट में सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो अल्कोहल है उस अल्कोहल में पहले आपको 4 reagents याद रखने होंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले Pi3 डालेंगे। क्या डालेंगे? Pi3 डालेंगे या फिर आप HI भी डाल सकते हैं। दूसरा रिएजेंट जो इसके बाद आप डालेंगे वो आप डालेंगे AgNO2। AgNO2 का नाम है सिल्वर नाइट्राइट। क्लियर? तीसरे नंबर पर आप कौन सा रिएजेंट डालेंगे? आप डालेंगे HNO2 जिसका नाम है नाइट्रस एसिड। और इस HNO2 को आप कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? NaNO2 + H2SO4। क्लियर? NaNO2 + H2SO4 से आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? HNO2 मिल जाएगा जी। तो आप यहां पर HNO2 नाइट्रस एसिड डाल देंगे। क्लियर है? क्योंकि आप HNO2 को फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाएंगे। नंबर 4th स्टेप पर आपको क्या करना होगा? आप यहां एल्कली डालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या डाला? NaOH। आप इस NaOH को एक्सिस में डाल देंगे। ये 4 reagents सबसे पहले आपको याद करने पड़ेंगे और सीरियल वाइज आपको डालने पड़ेंगे। पहले Pi3 या फिर आप HI डाल सकते हैं या फिर आप आयोडीन भी डाल सकते हैं फॉस्फरस की प्रेजेंस में। दूसरा आप सिल्वर नाइट्राइड डालेंगे और तीसरा आप HNO2 डालेंगे और चौथा आप एल्कली डालेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये 4 reagents याद होने के बाद आप क्या करेंगे? इन 4 reagents को आप क्या करेंगे? एक एक करके इस टेस्ट ट्यूब में भी डालेंगे। कितने reagents? 4 reagents। नाम आपको पता है, पहला Pi3, फिर AgNO2 डालेंगे, फिर HNO2 डालेंगे, फिर बोलिए क्या डालेंगे? बोलो NaOH डालेंगे। क्लियर? इन 4 reagents को एक एक करके आप इस टेस्ट ट्यूब में भी डाल देंगे, इस टेस्ट ट्यूब में भी डाल देंगे और इस टेस्ट ट्यूब में भी डाल देंगे। क्लियर है बात? बोलो
बोलो बात समझ में आ रही है। इन चारों रिएजेंट्स को एक एक करके आप इस टेस्ट ट्यूब में भी, इस टेस्ट ट्यूब में भी, इस टेस्ट ट्यूब में भी डालेंगे, मतलब ये अल्कोहल इसके साथ इनके साथ रिएक्शन करेगा, ये अल्कोहल भी करेगा और ये अल्कोहल भी इनके साथ रिएक्शन करेगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन क्या होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब क्या होगा, इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में से कोई एक टेस्ट ट्यूब ऐसी होगी, कोई सी भी एक टेस्ट ट्यूब ऐसी होगी जिसमें ब्लड रेड कलर आएगा। कैसा कलर? खून के जैसा लाल रंग आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा करने पर, इन चारों रिएजेंट्स को डालने पर, फॉर एग्जाम्पल ब्लड के जैसा रेड कलर आपको मिला, दिखाई दिया। बोलो क्लियर। इन तीनों टेस्ट, दोनों जो टेस्ट ट्यूब बची बाकी, इन दो टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब ऐसी होगी जिसके अंदर ब्लू कलर आएगा। फॉर एग्जाम्पल इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लू कलर आया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लू कलर आया है। एक जो टेस्ट ट्यूब होगी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी कलर नहीं आएगा, यानी ये कलरलेस ही रहेगा। क्लियर। ये तीन डिफरेंट कलर्स हमारे सामने मिले, कैसा करने पर, ये काम करने पर, ये चार काम करने पर हमें यहां ब्लड रेड कलर फॉर एग्जाम्पल मिला, फॉर एग्जाम्पल इस टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर मिला, और फॉर एग्जाम्पल इस टेस्ट ट्यूब में कलरलेस ही हमें मिला, यहां पर कोई कलर नहीं मिला। तो अब हम क्या कर सकते हैं, याद रखना, ऐसा करने के बाद जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ब्लड रेड कलर मिलेगा, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो अल्कोहल है वो अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर क्लियर। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ब्लू कलर मिलेगा, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर याद रखना जो अल्कोहल प्रेजेंट है वो अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है। और जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको कलर लेस मिलेगा, मतलब कोई कलर नहीं मिलेगा, याद रखना उस टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर है, बात समझ में आती है। तो आप क्या कहेंगे एग्जामिनर को कि सर हम क्या डालेंगे, तीनों टेस्ट ट्यूब्स में पहले Pi3 डालेंगे, फिर HNO2 डालेंगे, फिर HNO2 डालेंगे और फिर NaOH डालेंगे। ऐसा करने के बाद जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड रेड कलर आएगा उसमें प्राइमरी अल्कोहल होगा, जिसके अंदर ब्लू कलर आएगा उसमें सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई कलर नहीं आएगा उसमें कैसा होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं। ध्यान से आप देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत प्यार से देखेंगे, ध्यान से देखिए भाई, बहुत अच्छे से, प्लीज ध्यान से। मैंने लिया फॉर एग्जांपल नंबर वन, देखिए मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3CH2OH। ये CH3CH2OH एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल है, और कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री। क्यों है 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, समझे। प्राइमरी क्यों है ये, क्योंकि इसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन ओनली वन कार्बन से जुड़ा है। क्लियर। ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्लियर। चलिए हमने इसमें क्या डाला भाई, हमने इसकी रिएक्शन Pi3 के साथ करा दी या फिर HI के साथ करा दी, इसमें Pi3 डाल दिया। अब क्या होगा, यहां से ये OH ग्रुप हट जाएगा और यहां पर Pi3 का I चला जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2I। क्लियर। इसका नाम इथाइल आयोडाइड बन जाएगा, ये इथाइल आयोडाइड एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, बताओ दूसरा रिएजेंट कौन सा था, बोलो। दूसरा रिएजेंट था हमारा कौन सा, AgNO2। कौन सा था, AgNO2, सिल्वर नाइट्राइड इसका नाम था। क्या होगा, यहाँ से Ag प्लस का, यहाँ से I माइनस का निकल जाएगा, यानी क्या बाहर, AgI बाहर निकल जाएगा। बोलो क्या बचेगा, यहाँ CH3CH2NO2, क्या बन जाएगा, CH3CH2NO2 बन जाएगा, और इसका नाम नाइट्रो एथेन होता है। क्लियर है, बोले बात समझ आती है। अब क्या करेंगे बताइए, तीसरा रिएजेंट क्या था, तीसरा रिएजेंट था हमारा HNO2 नाइट्रस एसिड। के लिए ध्यान से देखना, हमने इस HNO2 को, अगर मैंने इसको ऐसे लिख लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, HNO2 ये है OHN डबल बॉन्ड O। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना आप, मैं इसका यहां से नाम हटा देता हूं, नाइट्रोएथेन इसका नाम है, मैं हटा देता हूं, जगह यहां बना लेता हूं। देखिए यहां पर
CH3CH2NO2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो क्या होगा, ध्यान से लिखना, ध्यान से लिखना, यहां से एक H, यहां से एक H और यहां से O निकल जाएगा, यानी यहां से दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। क्लियर? तो क्या निकलेगा, दो H और एक O, H2O बाहर निकल जाएगा। बताओ क्या बनेगा, यहां बताओ क्या बचा है, यहां पर बचा है CH3C और यहां पर क्या है NO2। बोलो, यहां से जब H निकला प्लस का तो इस कार्बन पर माइनस आया, बोलो जब यहां से H प्लस का निकला तो इस कार्बन पर फिर माइनस आया। अब यहां ध्यान से देखना, हमारे पास क्या था, यहां हमारे पास यहां N था, यहां डबल बॉन्ड O था और यहां पर OH था। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, बोलो क्या हुआ, यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा। बोलो, या फिर देखिए दूसरा बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो बताइए फिर से ऑक्सीजन पर माइनस आएगा और फिर से नाइट्रोजन पर प्लस आएगा, कोई दिक्कत है? ध्यान से देखना, ये दो H प्लस के निकले और ये O माइनस टू निकला, ये तो H2O बना लेंगे। अब यहाँ देखो क्या हुआ, बताइए क्या हुआ, ये माइनस का है ये प्लस का है, इनके बीच बॉन्ड बनेगा और ये माइनस का है ये प्लस का है, इसके बीच भी बॉन्ड बनेगा। क्लियर? इस कंपाउंड का नाम, जो ये कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम, इंपॉर्टेंट नाम है, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। क्या नाम है? इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। देखिए मैं इस H को थोड़ा सा बॉन्ड बनाकर लिख देता हूं, इसका नाम नाइट्रोलिक एसिड है। अब क्या होगा बताइए, पहला रिएजेंट आपने Pi3 डाला, दूसरा HNO2 डाला, तीसरा HNO2 डाला, चौथा बताइए क्या डालेंगे, चौथा आप एल्कली डालेंगे, बोलो, यानी आप यहां NaOH डालेंगे। क्लियर? ऐसा करने पर, NaOH डालने पर, यहां एल्कली डालने पर, एक्सेस अमाउंट में डालने पर क्या होगा, आपको यहां पर ब्लड रेड कलर मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्लड रेड कलर मिलेगा। क्लियर? क्या मिलेगा? ब्लड रेड कलर मिलेगा। क्लियर? इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि ब्लड रेड कलर मिल रहा है, किससे मिल रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल से मिल रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। दूसरी बात मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि यहां पर ब्लड रेड कलर मिलेगा किस कंपाउंड का मिलेगा, वो आप देखना, ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। इधर देखिए, हमारे पास क्या था, मैं यहां लिख लेता हूं, CH3 है, ये C है, ये क्या है NO2 है, यहां पर क्या है डबल बॉन्ड है, यहां पर क्या है N है, यहां पर क्या है OH है। बोलो जी, यहां से देखना भाई, जब ये एसिड है, नाइट्रोलिक एसिड है, तो यहां से H प्लस निकाल दीजिए, जब यहां से H प्लस निकलेगा, बोलो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, बोलो यहां से H प्लस निकल गया। क्लियर? H प्लस निकल गया, इसको मैं यहां रख लेता हूं, H प्लस यहां से निकल गया। ध्यान से देखना, NaOH में बोलो क्या है, NaOH बेस है ना, तो ब्रेक होगा, आयनाइज्ड होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, बताइए यहां Na प्लस का है वो यहां आ जाएगा और यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, बोलो, और H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्शन करके H2O बना लेगा, बोलो कोई प्रॉब्लम इस बात में। ये कंपाउंड क्या बना, ये कंपाउंड क्या बना, सोडियम सॉल्ट बना। क्या बना? सोडियम सॉल्ट बना। क्यों? क्योंकि ये एसिड था, ये बेस था, और एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। किसका सॉल्ट बना? नाइट्रोलिक एसिड का सॉल्ट बना। बोलो इसका कलर जो आएगा वो ब्लड रेड कलर होगा। बोले बात समझ आती है, इस कंपाउंड का कलर रेड, ब्लड रेड कलर होता है। ठीक है, क्लियर? ये प्राइमरी एल्कोहल में रिएक्शन होगी जब हम विक्टर मेयर टेस्ट करेंगे। दूसरा देखिए आप, अब हम सेकेंडरी एल्कोहल की बात करते हैं। देखिए सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझ में आएगी, ध्यान से देखना। इधर नंबर टू पर हम लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। देखिए सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होगा, देखिए सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल में देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल CH3CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH। इस कंपाउंड का नाम आइसोपरोपाइल एल्कोहल होता है और ये 2 डिग्री एल्कोहल है। क्यों है भाई ये 2 डिग्री? कैसे पहचान होगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो जी, इसमें देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, बोलो, शाबाश, 2 से जुड़ा है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। क्लियर है जी? तो देखिए फिर, अब ये सेकेंडरी है। क्लियर है? ध्यान से देखो, वो क्या डालेंगे, वही काम करेंगे, पहले Pi3 डाल देंगे। देखिए क्या होगा, यहाँ से OH ग्रुप हटेगा, बोलो क्या बनेगा, बताइए, आई यहाँ जुड़ जाएगा, जहां से OH हटा है वहां पर आई जुड़ जाएगा, इसका नाम आइसोप्रोपाइल आयोडाइड हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, बताइए तीसरा दूसरा रिएजेंट क्या डालेंगे,
एजी एनओ टू डालेंगे, यहां से एजी, यहां से आई, एजी आई बाहर आ जाएगा। बताओ क्या बनेगा, यहां पर क्या सी एस थ्री और यहां पर क्या सी एच और यहां पर क्या सी एस थ्री और यहां पर क्या एनओ टू, नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। क्लियर, ध्यान से देखेंगे। बताओ फिर क्या डालेंगे, बोलो HNO2 डालेंगे। और HNO2 को हमने कैसे लिख लिया था, OH एंड डबल बॉन्ड O। देखिए अब ध्यान से देखना, मैं आपको इस रिएक्शन को यहां समझा देता हूं। देखिए यहां इस स्टेप को यहां समझा देता हूं, प्लीज ध्यान से देखना। मैंने ये लिया, यहां पर H लिया, यहां पर NO2 लिया, मैंने HNO2 के साथ रिएक्शन करा दी। मैंने HNO2 को कैसे लिखा, OH एंड डबल बॉन्ड O। कैसे लिखा, ये OH है और यहां पर क्या है N है, यहां पर डबल बॉन्ड O है। बताइए ध्यान से देखना, अब आप ईमानदारी से बताना। देखो यहाँ पर क्या हम ये वाले बॉन्ड तोड़ सकते हैं, बोलो। अगर हमने ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दिए तो क्या होगा, बोलो। नाइट्रोजन पर दो प्लस आएंगे, ऑक्सीजन पर दो माइनस आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। अब बताओ इस ऑक्सीजन माइनस टू को स्टेबल होने के लिए दो एच प्लस चाहिए। बताओ यहां से अगर हमने बॉन्ड तोड़ा तो इस पर प्लस आएगा और इस पर एक माइनस आएगा। बोलो यहां तो एक एच प्लस का जा सकता है, बोलो। क्या ये एक H+ का इसको स्टेबल कर देगा, नहीं। क्या ये H2O बना लेगा, नहीं। तो बताओ यहां, बताओ ये कार्बन माइनस का एक चार्ज क्या इस दो प्लस चार्ज से रिएक्शन कर लेगा, एक बॉन्ड तो बन जाएगा, दूसरा नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है, तो फिर ये काम नहीं होगा, इस बार ये काम नहीं होगा। तो क्या काम होगा, ध्यान से देखना, फिर क्या काम होगा। हमारे पास क्या था, देख लीजिए, यहां पर H था, यहां पर H था, यहां पर क्या था OH और यहां पर N डबल बॉन्ड O। ध्यान से देखना इधर प्ले, यहां से अगर मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो बताइए क्या होगा, जब इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो क्या होगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। बोलो बताओ यहां पर अब क्या, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया, इस पर माइनस आया, इस पर प्लस आया। बोलो ये H प्लस का वो H माइनस का क्या बना लेगा, ये H2O बना लेगा H2O, यानी यहाँ पर H2O निकल जाएगा। बोलो अब बताओ क्या होगा, ये माइनस का ये प्लस का इनके बीच में अट्रैक्शन यानी बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड बन गया। बोलो बात समझ में आती है, बोले यहां से अब ये N डबल बॉन्ड O नहीं ब्रेक होगा बल्कि OH निकलेगा और यहां से एक H निकलेगा। बोलो क्या बनेगा, बताइए, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ पर क्या सी, यहाँ पर क्या सी एस थ्री और यहाँ पर क्या, बोलो एनओ टू एज इट इज है। बताओ यहाँ पर क्या एन और यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड ओ बनेगा, ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है स्यूडो नाइट्रोल। क्या नाम है, इस कंपाउंड का नाम है स्यूडो नाइट्रोल। अगर इस कंपाउंड में अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या डालेंगे, एल्कली डालेंगे, NaOH डालेंगे, समझे, NaOH डालेंगे। अब देखो ध्यान से, वो काम तो होना नहीं, यहाँ बोलो यहाँ से क्या निकला था, H+, बोलो निकला था H+, निकला था यहाँ से OH- H2O बाहर निकल गया था, Na+ जाकर वहां जुड़ गया था, सोडियम सॉल्ट बन गया था। अब वो काम तो यहाँ होगा नहीं, क्यों, यहाँ तो कहीं H है नहीं के जो निकले। बोलो बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर अब आगे काम नहीं होगा, मतलब अब आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझे आप ये बात, क्लियर है, आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जो कलर आएगा वो कैसा कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा। एल्कली NaOH डालने पर, NaOH डालने पर, NaOH डालने पर ये एल्कली कैसा कलर प्रोड्यूस कर देगा, कैसा कलर, ब्लू कलर प्रोड्यूस कर देगा, जिससे क्या रिप्रेजेंट होगा कि ये एल्कोहल सेकेंडरी है। क्लियर है, चलिए तीसरा अल्कोहल आप देखते हैं। तीसरा अल्कोहल है क्या, हमारा टर्शियरी अल्कोहल। ध्यान से आप देखेंगे, बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नंबर थ्री पर, थ्री डिग्री अल्कोहल्स को हम देखेंगे कि थ्री डिग्री अल्कोहल्स का कैसे पता चलता है। ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया क्या, हमने कोई थ्री डिग्री अल्कोहल लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने सी एस थ्री, यहाँ पर सी एस थ्री, यहाँ पर भी सी एस थ्री और यहाँ पर OH लिया। अब देखो ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये थ्री डिग्री अल्कोहल है, बताइए कैसे पहचान हुई भाई। यहाँ देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक दो तीन, तीन कार्बन से जुड़ा है। बोलो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन एक दो तीन कार्बन से जुड़ा है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या देखना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। क्या देखना है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। ये नहीं देखना है कि OH ग्रुप कितने कार्बन से जुड़ा है, वरना ऐसे तो देखो क्या होगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें OH ग्रुप कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, बताइए इसमें OH ग्रुप कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से। बोलो ये टर्शियरी है, इसमें OH ग्रुप कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से। ये नहीं देखना है, क्या देखना है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है।
समझे, यहाँ बोलो, यहाँ देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री है, प्राइमरी है। बताओ यहाँ OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए सेकेंडरी है। यहाँ बताओ OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए टर्शियरी है। बोलो, तो ये नहीं देखना है कि OH ग्रुप कितने कार्बन से जुड़ा है, क्या देखना है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। बोले, बात समझ आती है। चलिए विक्टर, मेरे टेस्ट में आते हैं हम वापस, बताइए हम क्या डालेंगे, वही काम करेंगे, पहले Pi3 डाल देंगे। बताओ यहाँ से OH ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ आई लग जाएगा। बताओ ये आयोडीनेटिंग एजेंट है, यहाँ पर आई दे देगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आई आ जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा। अब क्या करेंगे, हम क्या डालेंगे, AgNO2 डालेंगे, सिल्वर नाइट्राइड डालेंगे, वही काम, यहाँ से Ag, यहाँ से आई, क्या बाहर AgI, कौन आई AgI, क्या होगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या CH3, यहाँ पर भी क्या CH3, और यहाँ पर क्या NO2 आ जाएगा, नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। बोलो, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मजे वाली बात, यहाँ पर HNO2 डालेंगे, HNO2 को हमने कैसे लिखा भाई, OHN डबल बॉन्ड, देखो ध्यान से, जब हमने CH3CH2NO2 लिया था, यानी प्राइमरी अल्कोहल में जो बना था, तब क्या हुआ था, यहाँ OHN डबल बॉन्ड O है, यहाँ से 2H, यहाँ से O निकल गया था, ये वाला बॉन्ड टूट गया था। जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया था, तो ये बना था, और यहाँ पर क्या था OH, यहाँ पर क्या था N, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ 1H था, इसलिए यहाँ से OH निकल गया था, यानी ये निकल गया था H2O। बोलो, अब देखे मतलब आपको ये बात पता चली कि यहाँ से ऑक्सीजन निकलने के लिए, दो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। बोलो, और यहाँ क्या पता चला, यहाँ पर से अगर OH निकलना है यहाँ 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो O निकलेगा और यहाँ 1 हाइड्रोजन है तो OH निकलेगा। लेकिन यहाँ देखिए आप, जब ये नाइट्रो एल्केन बना, ना तो इस कार्बन के पास, इस सेंट्रल कार्बन के पास ना तो 1 हाइड्रोजन है और ना ही 2 हाइड्रोजन है। बोलो, इसका मतलब क्या हुआ, सीधी बात क्लियर है क्या, ना तो ऑक्सीजन निकलेगा, क्यों, इसे निकलने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन चाहिए थे, और ना यही OH निकलेगा, क्यों, क्योंकि इसे निकलने के लिए यहाँ 1 हाइड्रोजन चाहिए। बोलो आगे रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी, शाबाश, आगे रिएक्शन नहीं होगी, मतलब यहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन नहीं होगी। आप इसमें क्या डालते रहो, आप इसमें अल्कली डालते रहो, आप इसमें NaOH डालते रहो, यहाँ पर कोई कलर नहीं आएगा। समझे आप ये बात, यहाँ पर कोई कलर नहीं आया। चलिए, तो आपको क्लियर है कि प्राइमरी अल्कोहल में ये चारों रिएजेंट्स डालने पर ब्लड रेड कलर आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में ये चारों रिएजेंट्स डालने पर कैसा, ब्लू कलर आएगा, और टर्शियरी अल्कोहल में ये चारों रिएजेंट्स डालने पर कैसा आएगा, कोई कलर नहीं आएगा, कलर लेस होगा। बोले, बात समझ में आती है, ध्यान से देखिए, आप एक शॉर्ट ट्रिक भी सीख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, आरबीसी तो आपने पढ़ा है ना, 9th-10th class में भी है ना, आरबीसी आपने पढ़ा है ना, बायो में पढ़ा है ना, पहले में क्या आएगा, 1 डिग्री में क्या आएगा, बोलो रेड कलर आएगा, 2 डिग्री में कैसा आएगा, ब्लू कलर आएगा, और 3 डिग्री में कैसा आएगा, कलरलेस आएगा। बोलो, तो हम विक्टर मेयर टेस्ट से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री। आई होप आप अब डिस्टिंग्विश कर पाएंगे किसको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।